ये कोर्ट का निर्णय आया है और सभी लोगों बेहतर परिचित कोर्ट मनीष कुमार त्रिपाठी जी जी सभी को बड़ी कर दिया एक बार पुनः बोल दीजिए जी जी सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बेहतर बड़ी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट ने दूसरी बार सीबीआई ने जो कैसेट दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहाँ पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट ने सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया थोड़ा पीछे की बेटा कैमरा थोड़ा पीछे स्पीकर पे बोल रहा है। आज अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और इविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना। क्या टिप्पणी की है कोर्ट ने इस मामले में? टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटो के आधार पे बताया गया कि फोटो के होने की वजह से किसी को अकील नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था और सीबीआई ने 65 इविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। सवाल कोई सवाल है तो पूछो भैया। सवाल है कोई? कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। कोई सवाल हो आप पूछे बता दीजिए। आवाज आ रही है माइक तो नीचे करो। इंडिया टीवी जी जी बताएं। बताइए आ जाइए आगे आ जाइए। अटल जी इधर देखिएगा। न्यायालय ने ये अटल जी इधर देखिए बोले। न्यायालय ने ये माना है कि साक्ष्य नहीं इनके खिलाफ मिले हैं किसी अभियुक्तगण के, माननीय अडवाणी जी, माननीय जोशी जी, उमा भारती जी और सारे 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है माननीय न्यायालय ने और ये पाया है कि 65 इविडेंस एक्ट के प्रोविजन का फॉलो नहीं किया गया। वीडियो कैसे जो इविडेंस के रूप में डाले गए वो सब टेम्पर्ड थे और कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट या कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ प्रूफ नहीं होती है। जो ढांचा गिरा वो कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा गिरा क्योंकि ढांचा के नीचे मंदिर था और उसको भी उसका भी ध्यान नहीं रखा गया इसलिए ढांचा गिराने में या ढांचा गिराने के षड्यंत्र में किसी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑल आई मीन एक्विटेड फेयरली एक्विटेड जो बहस हम लोगों के तरफ से तर्क दिए गए थे न्यायालय ने सभी तर्कों को सही पाया। जो तर्क हम लोगों की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। कोई भी साक्ष्य
आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, छोड़ दिए गए। जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशता जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशन रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना ये श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागढ़ थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कार्य न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए शांतिपूर्ण ढंग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। साजिश के विषय में ये स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वही रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी है वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो दो कारणों से गिरा सकते हैं, या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन से तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावना है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता।